ओ साहब ऐसे ना मार, साहब ऐसे ना मार, मैं तो मर जाऊं तेरी मुस्कान पे। साहब ऐसे ना मार, मैं तो मर जाऊं तेरी मुस्कान पे। भैया तो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नहीं जो देश दुनिया में लोकप्रिय होता नहीं चलो, बुंदेली चुगली देख रहे तम रहे। खबर ही दे रहा कि जाएगा छतरपुर की तहसील में बुरा हाल है। तहसीलदार संजय शर्मा आए, तब से सब कचूत है कि खिड़की बंद हो गई। चार मुख्यमंत्री समाधान से लेके कहूं डंडा आदमी डालता है, कहूं शिकायत करता है, कौन सुनवाई हो नहीं रही। हम बता दें कि 13-14-15 हजार से ज्यादा नामांतरण लंबे थे तहसील छतरपुर में, और इसे लंबे थे कि अपने तहसीलदार जो है संजय शर्मा बेकार है कि हमें कलेक्टर साहब ने कही, कलेक्टर साहब कहा कि तुम रेरा को देखो। लेकिन रेरा के फेरा में आदमी परेशान है। अगर रेरा फेरा करने तो भैया रजिस्ट्री काय हो रही, ई पे भी रोक लगो चाहिए। लेकिन हो जा रहा है रजिस्ट्री हो रही, और रजिस्ट्री हो जाती है आदमी प्लाट खरीद ले तो जब नामांतरण करा व्यास्त होते उनको मामला लटक जाए। ऐसे दर्जन आदमी घूम रहे जिए, कहू अपनी बिटिया को ब्याह करने, कहू के अपनी जमीन बेचने, कहू के कचू करने, आदमी हैरान है, आम आदमी परेशान हो रहा। और इको नुकसान जो हो रहा शिवराज सिंह के हुई है, कायद मुख्यमंत्री यही से हुई है कि उनकी सरकार है, और उनकी सरकार में अगर 14-15 हजार हितग्राही परेशान है तो एक गंभीर मामला है। तहसीलदार दलील दे दें कि भैया हम तो भू माफियन के खिलाफ और इस जो जमीन माफिया है इनके खिलाफ, जो नियम को पालन नहीं कर रहे, कालोनाइजर है इनके खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं। लेकिन जब का सो रहे थे, जब राजस्व रिकॉर्ड बदल जाते हैं, चीजें हो जाती है, अब तक का करते रहे और बड़े बड़े हो रहे काम तो भेद काय नहीं रोक पाए, आम जनता इनमें परेशान हो रही। और जब जिनने आप जमीन ले ली, प्लाट खरीद ले, रजिस्ट्री करा ली, तो अब भी नामांकन में परेशान है, तो भैया प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन को कारोबार कर रहे थे उनके गले पे चढ़ बैठ रहे, और गले पे चढ़ बैठे वे गए तो मैं प्लाट भेजो रजिस्ट्री कराए, वहाँ नामांतरण नहीं करवा, और नामांतरण तहसीलदार कर नहीं रहे। बात नामांतरण की नहीं है, और भी है पहले, लेकिन जा कल की एक घटना खबर देख लो, कल तहसीलदार के खिलाफ पूरे शहर भर के प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे हो गए, उनने यूनियन भी बनाई, यूनियन बनावे के संगे संगे उनने शासन के प्रतिनिधि बतलाए, विधायक है प्रथम लोधी, उन्होंने बोला, पूर्ण का अध्यक्ष अर्चना सिंह उन्हें बोला, उनसे अपनी बात समस्या रखी कि कैसे परेशान करो जा रहे तहसीलदार द्वारा नियम और कायदे का हवाला देके, ना हक रहे, ना जेल छोड़ा, ना काम कर रहे, ना रास्ता बता रहे, और जो भी आरोप लगे कि पीछे की गली से को 20-25-50 हजार रुपया दिया उतने तो उनके काम हो जाए। लेकिन आम आदमी पिस रहा, परेशान हो रहा। कल की बैठक भाई जय देख लो, इनमें काम मुद्दा उठे ई के बाद बाकी बतकाव कर रहे हैं। छतरपुर तहसीलदार संजय शर्मा के खिलाफ छतरपुर के प्रॉपर्टी बिल्डर डीलर और होटल फोर सीजन में इकट्ठे भाई, फोर सीजन में तो इन्हें बैठक रखी। ई मौका पर विधायक प्रथम सिंह लोधी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह भी मौजूद थी। प्रॉपर्टी कारोबारियों ने अपनी समस्या बताई कि सारण से भी जो व्यवसाय कर रहे कम हुए ऐसी चीजें नहीं आए, लेकिन अब उनको व्यवसाय खतरे में तो है ही। आम आदमी जिनने उनसे प्लाट लाए वे भी परेशान है। उनने बताया कि इतने दिन होगा 14-15 हजार से ज्यादा नामांतरण पेंडिंग पड़े हैं तहसील में, एक पे भी काम नहीं हो रहा। और उनने जो भी बताओ कि अब तहसीलदार से जब जाते जो रहे वकील आने के नामांतरण कर दो, तो 1942 के दस्तावेज दिखावे के लाने कहा था, जबकि उस समय 1942 में ज्यादातर जमीनें सरकारी थी, देश में अंग्रेजों को शासन है तो बंदोबस्त व्यवस्था कछु हती ना। लेकिन अब चूंकि देश की आज़ादी के बाद चीज़ें बंदोबस्त वगैरह बंद हो तो जमीन है पट्टे अट्टे दुनियादारी भई थी, लेकिन तहसीलदार लगातार यही कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने जो भी कहा कि पिछले 10 महीने से डायवर्सन बंद है, वे परेशान है, कोई उनके प्लाट लाट तो ले रहे, जो ले रहे जिनने लाए थे वे भी परेशान है, जो किस्तन पे प्लाट थे उनकी किस्तें भी नहीं मिल रही, कैसे नामांतरण के नाम पर रोक लगा दी। 50 से ज़्यादा रियल इस्टेट कारोबारी इस समय में मौजूद थे, और उनने सब ने यही बताया कि 10 हजार से ज़्यादा डायवर्सन पेंडिंग है। रेरा की जमीन रेरा कानून के तहत जो जमीन पास है उनको भी डायवर्सन नहीं हो रहा, कृषि भूमि है उनको भी नामांतरण नहीं हो रहा, तहसीलदार ना तो कौन काम कर रहा है ना सीधे मौको उसे बात कर रहे हैं। इस मौका पे अनुराग महतो, देवेंद्र अग्रवाल, दिग्विजय त्रिपाठी, सौरभ चौरसिया, अरविंद गिरी, गोस्वामी, उपेंद्र प्रताप सिंह लकी, दिलीप अहरवाल, रवि प्रताप सिंह गब्बर, जय तिवारी, गिरजा पाटकर, अंकित अग्रवाल, राज गुप्ता, आनंद चौरसिया, राजेश मिश्रा, निरंजन अग्रवाल सहित 50 से अधिक प्रॉपर्टी कारोबारी मौजूद थे। इनकी बात सुनने के बाद विधायक प्रथम लोधी ने आश्वासन दो के बेजरूर उनकी हितन के लेके और आम जो जनता परेशान इनके हित के लेके जल्द सीधी बात करें, और उनने तुरंत मौका पर कलेक्टर से बात भी करी। कलेक्टर ने कही कि ऐसे तहसील आया तो बदलो जाए,
या फिर कुछ और करो यार, तो कलेक्टर ने आश्वस्त करो कि तहसील बदलने को प्रयास करें। और जो दूसरा एक तहसीलदार आया है अभिनव शर्मा, वो अभी यहाँ है नहीं, छुट्टी में। जैसे वो आएंगे तब तक उनको यहाँ चार्ज दे देंगे। तब तक की स्थिति में जितने भी अपनी पेंडेंसी है वो हम बोलते हैं, अब जैसे ये अपना काम शुरू हुआ तब को निपटाने की कोशिश करेगा, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा है कि क्योंकि पूरे छतरपुर में तहसीलदारों की बहुत ज़्यादा कमी, जो भी हमारे अपने तहसीलदार जो यहाँ आना चाहे थे, या बहुत से तहसीलदार ऐसे हैं जिनके ट्रांसफ़र भी हो गए पर उन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिए। तो जो भी तहसीलदार यहाँ आना चाहें, आप ऐसा है कि जो काम करने वाले हों उनका कभी ये कहना है, कोई भी तहसीलदार आ जाए, कम से कम तहसीलदार तो रहे, सब दो तीन तहसीलदार हैं, बाकी सब नायब तहसीलदार पूरी तहसील में काम चला रहे हैं आज की स्थिति में। उन्होंने कहा है कि इन सबसे चर्चा भी कर लो, तो मैं कल जा भी रहा हूँ, और 28 से विधानसभा भी है, और अपने जिले में तहसीलदारों की बड़ी कमी भी है। हम चाहते हैं 4-5 तहसीलदार आ जाएं, अच्छे तहसीलदार आ जाएं, ताकि क्योंकि जिला मुख्यालय बड़ा मुख्यालय है, यहाँ बहुत से काम तो जिला मुख्यालय पे होते हैं, और आधा तहसीलदार का काम तो बेचारा VIP आते रहते हैं, उसमें ही निकलता रहता है। परंतु अच्छा तहसीलदार यदि आ जाएगा तो काम निपटाने की क्षमताएं ठीक ठाक होंगे, तो काम भी निपटेगा और आगे काम भी होंगे। हम चाहते हैं बहुत जल्दी ये नया तहसीलदार आया है, उसको चार्ज मिल जाएगा तो अच्छा काम चलेगा, ऐसा कहा है। अभी वो माननीय PS महोदय यहाँ हैं, तो संबंध में वो खजुराहो में है, जैसे वो यहाँ आएंगे तो दोबारा बात करेंगे और अपनी समस्या का समाधान निकलेगा। आप लोग चिंता ना करें, आप किसी प्रकार का वो ना करें, आदरणीय भाभी साहब हम सब लोग हैं, पूरी ताकत से आपका काम करेंगे और आने वाले समय में बहुत तेज गति से हमारा काम होगा। बहुत बहुत अब जो समझ में वाली बात है, अगर रेरा कानून दुनिया को हवाला की बात कर रहे तहसीलदार या प्रशासन, इतने को साफ प्रशासन, तो उन्हें तो समझ नहीं आया कि रजिस्ट्री सबसे पहले बंद करा दो भैया। कहाँ से रजिस्ट्री हुई ही ना, तो कहाँ है तुम्हारा रेरा फेरा पेड़ प्लाट और जमीन के लोचाओ पे रजिस्ट्री करा रहे, तो हम लगातार कहा से उसे राजस्व की प्राप्ति हो रही शासन के, लेकिन जब नामांतरण के लाने फाइल जाए तो आदमी लटक जाए। हमारा तो जो सुझाव है कि एक नियम प्रशासन के अब कर दो चाहिए कि रजिस्ट्री के संग ही नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार को जो बीच पनपा से तहसील में जो खत्म हो जाए। अब जमीन की बात आई तो हो सका तहसील जो कहा लगे भूमाफियन के कारण, भूमाफियन के सहारे पे जो हमारे खिलाफ अभियान हो रहा, तो केवल नामांतरण की बात नहीं हो रही, ऐसे 10-12 हज़ार और केस हैं जो उनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बच्चन के जो स्कूलन के प्रमाण पत्र बनत हैं, और मृत्यु प्रमाण पत्र जो तहसील क्षेत्र के हैं बेतक नहीं हो रहे, हजारों को ढेर लगो है तहसील में। तहसीलदार साहब एक दलील दे थे संजय शर्मा, जैसे को आउट के मृत्यु साइड मृत्यु प्रमाण पत्र चाहे तो ऊके लाने में जो कहा कि भैया तुम जो मुक्ति धाम में जा बाप दादा जो को बारो गाओ उतर से रसीद ले आओ, कहते जलाओ हो आओ कहो 3 साल पहले मरे हुए जरूरत है मृत्यु प्रमाण पत्र की, उन्हें सरपंच पटवारी और आड़ाई सबकी रिपोर्ट लगा दी, सरपंच की लगा दी, गांव मोहल्ला पंचनामा सब लगा दा, उसके बाद तहसीलदार जो बहानों करत के बोले इतने से मुक्ति धाम की रसीद लिया। अब तो बता देने के छतर के पर के कौन से मुक्ति धाम में थे रसीद कटा, ऐसे तो सीधी ऊपर की रसीद कटा तो बदखात नहीं है जो तय है, तो भैया ऐसा ना करो ऊपर वाले से कहा जो बेचारे मर गए, अगर अपने मौत को सबूत तुम सब इकट्ठो कह रहे हो मांग रहे तो कर दो साहब, और जे बेचारे मरे जा रहे हमें 3 जने मिले आज पूरे सीजन में, बोले भैया बिटिया को ब्याह करने तो हमें 10% में बाजार से पैसा कर्जे में उठाने और कैसे हमें प्लाट कर दो, तो बिटिया के ना फिर प्लाट बेच के ब्याह कर दे, जब प्लाट ही नहीं बिक रहा को नामांतर नहीं हो रहा, एक व्यापारी बेचारो तेल वालो जी पकड़ लो उन्होंने कब ड्राइवर से नहा तो ऊके लेके बोले कि बिल्डिंग ही गिरा देने में, मतलब इतना बचो इतनी मनमानी हो रही प्रशासन की, अच्छे काम करो अच्छी की सराहना होते लेकिन पूरे समाज के छिन्ने में कर दो, एक व्यवसाय पे चोट अगर पहुंचा तो हमें लगा कब ना कोई इनको असर शिवराज सरकार पे हुई है, और हमें चाहिए धरती भैया सत्ता में बैठे नेतन की और उन्हें ये मामले में गंभीरता दिखाओ चाहिए, भले ही एक पार्टी में अलग अलग धड़ बटे हों लेकिन जनहित की अगर मुद्दा है जनहित को मामला है तो पूरे इतने पे नेतन के जो भाजपा को कांग्रेस को चाहे भाजपा के कई गुट हो सबके इकट्ठो आके ऐसे अफसरन के खिलाफ लामबंद भाव चाहिए और बताओ चाहिए ऊपर के ना कट कट रही ना ऐसे अच्छू भलो नहीं हो रहा अच्छो, तो इसे थोड़ा सो संजीदगी हो जरूरी हो जागरूक हो जरूरी हो, नहीं तो ऐसे ही अफसर आए हो अफसर अपनी मनमानी को उतारू रहे, आम जनता ऐसी पिसत रहे चक्की के पार्टन के बीच में कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन चिंता ना करो कल से बुंदेली चुगली भी अभियान लेके चल रही और तहसील में जोन जोन लेके खेतग्राही
परेशान कर रहा हूँ। पटवारी आ रहा था कह रहा है अफसर से कि भैया जी करकार है वेतन काट लेने हो, इतना बुरा आतंक मचा के परेशान है कि काकर दो बार तो वकील ही हड़ताल कर चुके, एक महीने के लिए तहसीलदार बिना छुट्टी के गायब हो गए थे। मचो कहा एक समझे वाली बात है, अगर नहीं हो रहा तो हमें लगा समाज के में खड़ा हो चाहिए, आंदोलन हो चाहिए ऐसे तहसीलदार के खिलाफ, ऐसे प्रशासन ऐसे अफसर के खिलाफ। अब हम ले रहे हैं लेकर तहसील में कौन कौन से मामले पेंडिंग है, इनकी सूची पूरी दस्तावेज के संगे हम जरूर जनता के सामने रखी और प्रशासन के आईने दिखावे को काम करी। जय राम जी की। तो फेडरम में जाओ भैया, फेडरम जे में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है उनके बगल में, पतंजलि को स्टोर है उनके सामने सागर रोड पे देर रोड के पहले, और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नागिन रोड की दमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेडरम में, अगर शरीर को निकल गया हो दम तो अपना फेडरम।